मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है। प्रदेश के होने वाले नए सीएम को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के नाम का सारा सस्पेंस रविवार को खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री का फैसला इस हफ्ते में ही हो जाना की संभावना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने कैबिनेट सहयोगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार को पत्र लिखकर एनसीपी विधायक नवाब मलिक को राज्य की सत्तारूढ़ महायुति का या महागठबंधन में शामिल करने पर विरोध जताया। नवाब मलिक प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में आरोपी है। पीएम मोदी आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गया था तो मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसे अपने सामने घटित होते देखकर मुझे खुशी हो रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीटों पर तगड़ा झटका लगा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सीट दतिया रही। दतिया से बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं हार के बाद नरोत्तम मिश्रा सोशल मीडिया से जैसे गायब हो गए हैं। पिछले 4 दिनों से मिश्रा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव नहीं है। इंडियन रेलवे की तरफ से भोपाल में आयोजित मुस्लिम समाज के इज्तिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गाड़ी वाड़ी भोपाल वाड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ी रास्ते में दोनों दिशाओं में शाहबाद कलबुर्गी सोलापुर कुर्दुबाड़ी दौंड जंक्शन अहमदनगर बेलापुर कोपरगांव मनमाड़ भुसावल खंडवा और इटारसी स्टेशनों पर रुकेगी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच ट्रस्ट ने मंदिर की ताजा तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें मंदिर का भव्य स्वरूप दिख रहा है। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य में प्रथम फ्लोर का निर्माण कार्य चल रहा है। गर्भगृह बनकर के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं रामलला के 5 वर्ष के बाल स्वरूप की मूर्तियां भी तैयार है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। राजभर ने कहा कि वो भगवान शंकर के पुजारी हैं और उनके झंडे का रंग पीला है। अगर उन्होंने श्राप दे दिया तो अखिलेश यादव को पीलिया हो जाएगा और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो सुबह सपा का झंडा नहीं पकड़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बीजेपी को भ्रष्ट जुमला पार्टी बताया है और उस पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक का अपमान करने और अजीत पवार समूह को फंसाने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मलिक को सत्ता पक्ष की सीट पर बिठाने का विरोध करते हुए अजीत पवार को पत्र लिखा था। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मित्रा के खिलाफ आखिरकार लोकसभा में अध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को रिपोर्ट सबमिट की गई है। अध्यक्ष कमेटी की ओर से रिपोर्ट पेश होने के बाद संसद में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शनल मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइटर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइटर में पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म के पोस्ट रिलीज के बाद से ही इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ाते हुए फाइटर का धांसू टीजर आज रिलीज हो गया है।